राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं, इसका ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी इलाके का है, जहां सरेराह दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने दूध व्यापारी से लूट के बाद गोली मारकर घायल कर दिया। बदमाश व्यापारी से पैसों से भरा बैग लेकर फरार। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं घायल व्यापारी को गंभीर हालत में पास के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। दरअसल मामला गोकुलपुरी थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि उस्मानपुर के रहने वाले मोहित शुक्ला की अशोक नगर में दूध की डेयरी है। शुक्रवार की दोपहर मोहित शुक्ला 3 लाख रुपए लेकर यमुना विहार बैंक में जमा कराने जा रहे थे। जैसे ही वे गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास पहुंचे, वहां घात लगाए बैठे एक बाइक पर सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने उनसे रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की और उन्होंने उसका विरोध किया तो एक बदमाश ने मोहित पर गोली चला दी, जिससे मोहित को पेट में गोली जा लगी और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आसपास लगे इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि वह अशोक नगर अपनी डेयरी से 3 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा कराने जा रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने उन पर हमला कर रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ऐसा हमारा लड़का जो है कैश लेके जा रहा था, मोहित शुक्ला, तो गोकुलपुर फ्लाईओवर के नीचे चल रहा था। वहाँ पे 3 बाइक वाले आए, एक बाइक सवार थे, उन्होंने पीछे से गोली मार दी और गिर गया, तो बैग उसका छीन ले गए और चले गए। लगभग 3 लाख के आसपास होगा। बाइक वाले आए थे 3 और कैश था, इसको बैंक में जमा कराने जा रहा था ये, और एक गोली मारी इसके और कैश ले के भाग गए। दूध का काम कर दे, अशोक नगर से आ रहा था, ये बैंक में जमा कराने जा रहा था। मेरा भतीजा है मोहित शुक्ला, जो अशोक नगर दुकान से जा रहा था बैंक के लिए, बैग लेके 3 लाख कैश था उसमें। पीछे से 3 बाइक वाले आए, 3 आदमी थे एक बाइक पे, उन्हें गोली मारी और कैश छीन लिया और कैश छीन के निकले। वो अब इसे GTB हॉस्पिटल में लाए, यहाँ इसका इलाज हो रहा है। पहले भी इसके साथ 2 बार हो चुका है ये घटना, ये 3री घटना है इसकी। पीड़ित के परिजनों की माने तो मोहित के एक गोली पेट के ऊपर लगी है, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सरेराह दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मोहित के साथ लूट का ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी 2 बार मोहित के साथ लूट हो चुकी है। उसके बावजूद भी पुलिस न अभी तक पहले वाले मामले में किसी को गिरफ्तार कर पाई है और एक बार फिर बदमाशों ने मोहित को अपना निशाना बनाकर लूट करने में सफल हो गए हैं। संदीप कुमार के साथ दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।